हिंदुस्तान के चैंपियंस ने भाई भिखारियों को फाइनल में क्या पेंटा मारा है। रियल पठानों ने, हिंदुस्तान के पठानों ने नकली पठानों को ऐसा पेंटा फाइनल में मार दिया कि नहीं, इस तरह नहीं बोलना चाहिए। वो भी रेल पट्टा है, ये भी रेल पट्टा है, मकान पट्टा है भाई। विधि ने उनको क्या बोल रहे थे भाई? गलत बात थी, विधि की गलत बात है, नहीं करनी चाहिए थी। क्या हम अपनी टीम को, बाबर आजम को, शाहीन शाह अफरीदी को, रिजवान को, ये सब को हम दिखाएंगे कि मैच कैसे जीते जाते? भाई सारा मैच एक तरफ इरफान पठान का मजा आ गया भाई। इरफान पठान तो गोल ही चल रहा है, तो संडे रात ही रात में खराब हो गया भाई। संडे के सारा पड़ोसियों क्या है यार, पड़ोसियों क्या हो यार तुम लोग? बच्चे तुम्हें फेल के चले जाते हैं, जवान तुम्हें फेल के चले जाते हैं। हिंदुस्तान के युवराज सिंह का पेट देखो, इतना बड़ा पेट हो के भी तुमको फेल के चले। तुम्हारी टीम में तो ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो अभी तक रिटायर भी नहीं हुए। रायदू ने स्कोर किया 50। इरफान पठान और जो है वो यूसुफ पठान ने, रियल पठानों ने, हिंदुस्तान के असली पठानों ने नकली पठानों को पेंटा इंजेक्शन लगा दिया। मुझे पता है हंसी किस बात की आ रही है। नहीं तो ये मैच इतना सीरियस हमने और आपने लिया ही नहीं था कि कोई भी जीते कोई बात नहीं यार, एक्सपायर बुड्ढे ही खेल रहे हैं क्या होगा। लेकिन हंसी इस बात पे आ रही है कि पड़ोसियों के जो बुड्ढे हैं ना, ये बड़े मस्त हैं, ये दो दो चम्मच सलाजीत का क्या। ये ड्रिंक्स टाइम पे ना ड्रिंक्स कम ले रहे थे, सलाजीत ज्यादा खा रहे थे, इनको लग रहा था सलाजीत खाने से शॉट बड़े बड़े लगे। सारा मैच एक तरफ इरफान पठान का ये एक्शन जो था ना, ये तो समझ रहे हो ना पड़ोसियों, ये कल संडे है और संडे में लगा दिया इरफान पठान ने। ये है रियल पठान, इसको बोलते हैं पठान के बच्चे। जुमे जो पठान मेरी जान। रात ही रात में बिस्तर गोल कर दिया। अब ये कल संडे को उठेंगे नहीं, ये कल फिर जो है नींद में जाएंगे, सोएंगे, और अगर आएंगे भी तो सोशल मीडिया पे बोलेंगे पाई जान पिक्स। इसी तरह बोलने लग जाते पाई जान पिक्स। अबे बुड्ढो ने हरा दिया यार, युवराज सिंह का देखो इतना बड़ा पेट है भाई, उसने तुम्हें हरा दिया, शर्म कर लो भाई। और ये लोग इरफान पठान को ट्रोल करते थे कि भाई तू उधर कमेंट्री बॉक्स में बैठकर या वहां से बैठकर तू नाश्ता रहता है, कभी मैदान में खुद भी उतर के बता, आज पता चला। और लास्ट में जीतने के मोमेंट में स्ट्राइक पे पिच पे खड़ा भी जो है इरफान पठान है। अब तो और मजा आया होगा, फुल मौका था उसके साथ। यार सबसे बढ़िया बात तो वो है जो इनके क्या नाम था, सईद अजमल ने मेरे ख्याल से ये बात कही थी कि हम जो है बाबर आजम को और अपनी टीम को दिखाएंगे कि मैचेस कैसे जीते जाते हैं। हां अभी उन लोगों ने देख लिया होगा कि मैचेस कैसे जीते जाते हैं, साले 50 50 पॉइंट को लेकर कवर में डाल दिए।
बॉलर हमने कभी जिंदगी में नहीं देखे, चार चार वाइड बॉल बैक टू बैक करवा रहे और हंस रहे बहन के हमको तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको तुमसे क्या लेना देना। माँ कसम हमारी कंट्री का बॉलर चार वाइड बॉल करा के हंसे ना, झूठे मारे ही। ये टीम वहां पे क्रिकेट बोर्ड में बैठी होती है, ये जो है ये छोड़ दिया पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान वालों ने ये उनके कोच है, 110-115 तक देखा फिर छोड़ दिया। ये उनको आइडियाज देते हैं किसको खेलना, जिसे खुद खेलना नहीं आता वो दूसरे को लेके आएंगे खिलाने के लिए। बाबर आजम भी लाइक सालो बजा दिया घंटा, तो ब्राजील से फिर भी अच्छे थे भाई ये हिंदुस्तान की पावर का। और मैं भाई मैं अपने सर की कसम खा के बोल रहा हूँ, बाबर आजम ये मैच देख के हंस रहा हूँ। देखो सालो और जब हम हारते हैं तो उधर बैठ के घर में चैनल पे बैठ के बोलते हैं ये बुरा खेला, वो सही खेला, ये ऐसे खेला, और खुद साले हक के हंस रहे हो। जिस तरह इंडियन टीम में युवराज सिंह था, रैना था, और ये इनका स्पिनर क्या था, निर्माण बटाना, भजन सिंह, भजन सिंह ये लेजेंड थे। उसी तरह पाकिस्तान वाली टीम में यही रजाक, यही अफरीदी, यही क्या फाइनल यूनुस खान, ये लेजेंड्स थे। तो ये बाबर आजम से ये जो जिन बाबर है बाबर आजम से मैंने उनकी जितनी भी बटालियन है जो अभी जो रिसेंटली टीम है पाकिस्तान की, उससे ये जो बुड्ढे है या जो लेजेंड्स कह सकते हो या बुड्ढे कह सकते हो या एक्सपायर भी कह सकते हो, ये लोगों ने अच्छा क्रिकेट खेला है। बाकी क्रिकेट में हाफ जीत होता रहता है, इंडिया जीत गए तो अच्छी बात है, वैसे भी इंडिया के अगेंस्ट ये लोग आ जाते हैं, चाहे छोटे हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब की जो है थंपे ठंग जाती है हो जाती है। तो खैर है, पहले भी इंडिया को कितना में हराया था जो हल्दी के पहला मैच में, उसमें इंडिया बस वो हराया था, बुरी तरह हराया था, मैं देखा नहीं। अब जो है इंडिया वालों का नंबर था तो इंडिया वाले जीत गए और फाइनल जीत गए, तो ये बात है। तो ये हर जीत है ये, बट ये कहना कि नहीं ये बाबर लोगों से ये है। एक चीज मैं और कहूँ, अगर रिसेंटली पाकिस्तान टीम की और इस लेजेंड की मैच कराया जाए, लेजेंड जीतेंगे, लेजेंड जीत जाएंगे भाई, इसी तरह है। बाकी यदि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज मुझे फॉलो करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे लाइक करें, तो पता चलेगा सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।